नमस्कार स्पेशल स्पोर्ट्स चैनल अपन स्वागत जाना आशा करी अपनारा भलो तो आज के क्यों विषय नहीं आलोचना करब यत तो अपनारा थंबनेल देखे निश्चय बुझे गेन सूतरा से विषय आसिना शुदुम्र यतटुकु बोलबो एखो पर्त जरा चैनल नियमित देखें अथच सबसक्राइब करा आज के जरा नतून देखें प्लिज चैनल सबसक्राइब कर सबसक्राइबर मध्य दिए चैनल सी बृद्धि घटुक अपन सपोर्ट क्योंकि दरकार बंधुरा चैनल ग्रोर जो तो देखते थकूँ आजकल भिडियो अवशेषे इन्वेस्टर चूड़ान करल ईस्ट बेंगल क्लाब। हाँ बंधुरा इन्वेस्टर संगे सम्पूर्ण फाइनल कथबार्ता सम्पूर्ण हो गए और दो एक दिन मध्य सम्भवतः आजकल मध्य ही अपना देखते पाबें ईस्ट बेंगल क्योंकि तरह इन्वेस्टर नाम घोषणा करते चले तो आज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमें आपते पे विश्वस्त सूत्र मार्फत ईस्ट बेंगल क्योंकि एक बहुजातिक सीमेंट कम्पानी संगे तर चुक्ति सम्पन्न कर बहुजातिक सीमेंट कम्पानी हम ईस्ट बेंगल नतून इन्वेस्टर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उद्योगे और ईस्ट बेंगल शीर्षकर्ता देवव्रत सरकार अक्लान परिश्रम फले आज के क्योंकि ईस्ट बेंगल पुजो आगे एक नतून इन्वेस्टर पे गे। हाँ बंधुरा पुजो आगे ईस्ट बेंगल क्योंकि तेज़ नतून इन्वेस्टर पे गल ता क्यु आज अथवा कल सम्भवत एक दिन मध्य क्योंकि इन्वेस्टर नाम घोषणा करते चले। एदि के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उद्योगे रिलायंस इंस्टेंट इंडस्ट्री क्योंकि ईस्ट बेंगल के आईएसएल नीते चले मुहूर्ते खबर बैरिए ईस्ट बेंगल आईएसएल खेला शुधुमात्र समय अपेक्षा आमरा जानते पेरेछि आईएसएल ईस्ट बेंगल के नेवार जोन्नो ममता बनर्जी अनुरोध के किन्तु फेलते पारछे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं तारा किन्तु गोवार माठ दसटी दलेर जोन्नो माठ देखार परो किन्तु ईस्ट बेंगलेर जोन्नो सम्पूर्ण आईएसएल दरजा खुले रेखे और इन्वेस्टर नाम घोषणा करारे आईएसएल खेल कथाओं ता जान दिए जानते पे। हाँ बंधुरा एक बहुजातिक सीमेंट कम्पानी अपना जानले एतदिन बोलिनी नाम आज के बोलते चाहना हाँ अपना जेने गेन से बहुजातिक सीमेंट कम्पानी क्योंकि ईस्ट बेंगल इन्वेस्टर होसे। हाँ बंधुरा इन्वेस्टर चूड़ान हो गए ईस्ट बेंगल आज अथवा कल सम्भवत आजकल मध्य क्योंकि ईस्ट इन्वेस्टर नाम घोषणा करते चले ईस्ट बेंगल क्लाब जे देवव्रत सरकार के एकर पर एक बिद्ध कर विभिन्न समर्थक ता नाना रकम कटुकथा माध्यम देवव्रत सरकार के बिद्ध कर नाना रकम बजे कथा ताके सुनते से ही देवव्रत सरकार एक कोविड 19 एक क्रिटिकल सार्कमस्टेंस क्योंकि लड़े गेन अप्राण चेष्टा कर ईस्ट बेंगल करत कोएसके लिए इसें यही करता ईस्ट बेंगल क्योंकि किंगफिशर मत इन्वेस्टर के लिए इसे अथच तर से अवदान कथा सबा भूले गए ताके गालामंद करते शुरू करमे जा पात्र छा ईस्ट बेंगल तर दमे आईएसएल खेल इन्वेस्टर नहीं आईएसएल खेल को दलर संगे मार्च कर नय से क्योंकि वास्तव हल। हाँ बंधुरा ईस्ट बेंगल क्योंकि तर इन्वेस्टर पे गल एक बहुजातिक सीमेंट कम्पानी नाम जानी बोलना क्योंकि हमें चाहिए क्लाबर पक्ष के नाम घोषणा करा होक शुद्ध यतटुकु अपना दिल एक बहुजातिक सीमेंट कम्पानी हम ईस्ट बेंगल इन्वेस्टर और कम्पानीटी क्योंकि ईस्ट बेंगल 200 टाकार बैंक ग्यारंटी देवार पाशापाशी बचरे 50-60 कोटी टाका तारा खरच करबे भालो एकटा दल तैरि करबे जाते तारा आईएसएल जितते पारे एटा किन्तु कन्फार्म न्यूज एवं आपनारा देखें दो एक दिन मध्य ईस्ट बेंगल समर्थक से ही खुशी खबर पे चले देवव्रत सरकार के कुंडित जाना तरह अवदान देवव्रत बाबू जे भाव लड़े जे भाव कोविड 19 परिस्थितिर मध्य हाल ना छेड़े विभिन्न नेतार संगे विभिन्न कम्पानी ओनारदेर संगे एकेर पर एक मीटिंग करे गेछेन जाते ईस्ट बेंगलेर भालो हय सेई ब्यापारटा किन्तु तिनि देखे देखछेन एबं तिनि किन्तु निजेदेर शेयार किछुटा माने सैक्रिफाइस करे किन्तु तिनि ईस्ट बेंगले निये एसेछेन नतून इन्वेस्टर। हाँ बंधुरा ईस्ट बेंगलेर इन्वेस्टर चूड़ान्त हये गेछे आर कोनो दिमत नेई आज अथवा कल सम्भवत एई एक दो दिनेर मध्ये किन्तु ईस्ट बेंगल तादेर इन्वेस्टरेर नाम घोषणा करते चलेछे अर्थात तोमरा जारा ईस्ट बेंगल क्लाबर फैन रहेछो जारा ईस्ट बेंगलके भालोबासो ईस्ट बेंगलके मा बोले सम्बोधन करो तारा किन्तु एखन निश्चित होते पारो जे ईस्ट बेंगल इन्वेस्टरेर नाम घोषणा आज अथवा कल होते चलेछे बोले एई मुहूर्ते बड़ो खबर बेरिये आसछे। आमरा विभिन्न सोर्स मार्फत किन्तु खबरटा पेयेछि एबं जे सोर्स एई खबरटा दियेछे तिनि किन्तु बोलेछेन जे एखन घोषणा शुधु बाकी रयेछे तारा बोलेछेन ईस्ट बेंगल कर्तारा किन्तु হয়তো আজকালের মধ্যেই এই খবরটা সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দিবেন তো দেখা যাক আজকে অথবা কালকে আমরা সেই খবরটা পাই কিনা তো আমরা সেই খবরটার জন্য ওয়েট করছি এবং আইএসএল কিন্তু ইসবঙ্গ খেলবে এটাও কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি ইসবঙ্গের আইএসএল খেলা কিন্তু 100% নিশ্চিত
কোনো শক্তি কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে আইসিসি খেলা থেকে এবছর বিরত করতে পারবে না। আমরা কিন্তু এটা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আইসিসি খেলার জন্য সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং আমরা জানতে পেরেছি ইনভেস্টরের পাশাপাশি আইএসএল দরজাও ইস্টবেঙ্গলের জন্য খুলে গেছে, এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা যে ইস্টবেঙ্গল আইএসএল খেলছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমাদের সাবস্ক্রাইবের মধ্য দিয়ে চ্যানেলটি শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, তোমাদের সাপোর্টটা কিন্তু খুবই দরকার। বন্ধুরা, আশা করছি তোমাদের সাপোর্টটা পাবো এবং এইভাবে তোমাদের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব। নমস্কার।